मोनारा चोप्रा को देखा मिलता एक इंटरव्यू में 2014 जिद फिल्म रे डेब्यूट कर मोनारा चोप्रा कोरोना सेफ्टी उपरे कौन कहते शुणु आपको खुद देखना चाहिए कि आप कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या आप मास्क पहन रहे हैं, क्या आप सैनिटाइजर्स या फिर जो भी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं, क्या आप हैंड वॉश प्रॉपरली कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल हैं। सो लॉकडाउन 1 के बाद लोगों ने फॉलो नहीं किया, बट आई सी अ लॉट ऑफ चेंज इन बॉम्बे इन द पास्ट 1 ईयर। आई थिंक ये मुंबई अब वो मुंबई नहीं रही जो हम पहले देखते थे, वेयर पीपल वर लाइक यू नो जंगलिंग एवरी डे इधर से उधर। उतनी चहल पहल नहीं है एंड नाउ लॉकडाउन 2 इज़ देयर, बट जस्ट वॉन्ट टू से दैट एवरीबडी मस्ट टेक प्रिकॉशंस। Everything is available online, so please look out for a second way to help yourself और जितना आप technology को use करके अपनी life को आसान बनाएंगे, जितना आप technology को लाएंगे उतना ही आप COVID को मात देते जाएंगे अपनी life से। So that's what I want to say. बॉलीवुड एरोटिक थ्रिलर फिल्म जिद र निर्देशना देथिले विवेक अग्निहोत्री एवं प्रोड्यूस करथिले अनुभव सिन्हा। ए फिल्म रे तांका विपक्ष रे करणवीर शर्मा और श्रद्धा दास को देखा मिलता। परे परे 2017 रे पुरी जगन्नाथ निर्देशित तेलुगु कन्नाड़ा बाइलिंगुअल फिल्म रॉग रे देखा मिलता, जो डेब्यूट करते ईशान। अंजेलिया क्रिस्लिंकी और ठाकुर अनूप सिंह को मध्य देखा मिलता एक फिल्म रे। शेष थर पर 2019 फिल्म सीतारे मध्य देखा मिलता। अपकमिंग प्रोजेक्ट उपरे शुणु कौन कही मोनारा चोप्रा। जी हाँ, मैंने अभी एक म्यूज़िक एल्बम के लिए शूट करा है जो मुंबई में ही था कुछ 3 हफ्ते पहले, एंड इट इज़ डन। एक गज़ल के लिए शूट करा है, सो आई होप इट कम्स आउट टू बी रियली नाइस एंड रियली सून। और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम लोग फिर से कनेक्ट हों।